प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। जीवन रोटी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर रिची डेविड फिर से एक बार परमेश्वर के इस अद्भुत कलाम के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि पौलुस का अभिषेक जितना सामर्थ्य पौलुस था कैसे हुआ? क्या आप भी उस अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप उस अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ में भी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार घटित हो, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इस संदेश को पूरा सुने, और यदि आपको यह संदेश पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जानी मानी आयत के लिए, जो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसका रहस्य परमेश्वर ने मुझको बताया बीते दिनों के अंदर। मैं आपको साथ में इस कलाम को बांटना चाहता हूँ, इस वचन को बांटना चाहता हूँ, जो कि लिखा है पहला कुरिन्थियों किताब उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत में पौलुस इस प्रकार से कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। और ये बात पौलुस ने लगभग 3 जगह पर इस बात को कहा है। पहला कुरिन्थियों किताब 4 अध्याय 16वीं आयत के अंदर भी लिखा है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। उसके बाद मैंने फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 17वीं आयत के अंदर भी इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों मेरी सी चाल चलो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार से कह सकता है संसार के अंदर तुम मेरी सी चाल चलो? वनस्पत इसके कि वो कहे कि यीशु मसीह की चाल चलो, क्योंकि यीशु मसीह सिद्ध है, यीशु मसीह परफेक्ट है, कोई उसके अलावा सिद्ध नहीं हो सकता, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन पौलुस इस प्रकार से कहता है मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस जब इस बात को कहता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो पौलुस है जो बाइबल इस प्रकार से कहती है जब निकलता था तो लोग इसके पास में आते थे और इसके शरीर से, इसके बॉडी से रुमालों को छुलाते थे और वो अपने बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, पीड़ितों के काम के अंदर इस प्रकार से लिखा है, उसमें अध्याय को अध्याय की बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा है, तो उसके हाथों से बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते थे। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि लोग उसके शरीर से रुमाल को छुड़ाकर लेकर जाते थे, कपड़ों को छुड़ाकर लेकर जाते थे और अपने बीमारों पर डालते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। यदि किसी में दुष्टात्मा है तो दुष्टात्माएं निकलकर भाग के जाते थे। उसके अंदर इतना अद्भुत सामर्थ्य काम किया करता था जो अलौकिक था। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप इन सारी बातों को गौर करेंगे तो पौलुस की लाइफ के अगर आप गौर करते हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, पौलुस ने नए नियम के अंदर लगभग 13 पत्रियों को लिखा है। कैसे पौलुस ने 13 पत्रियों को लिख दिया? कैसे पौलुस कह सकता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं? आज अगर आप इस राज को जान जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी उस अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं, आप भी उस अभिषेक में चल सकते हैं, आप भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवनों के अंदर कर सकते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब यीशु मसीह ने पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर दर्शन दिया, प्रेरितों के काम 9 अध्याय के अंदर लिखा है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया तो पौलुस से बातें करके कहने लगा, हे पौलुस, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है? पौलुस वो बाद में मना, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो जानता भी नहीं था वो कौन उसको आवाज देता, कहता है, हे प्रभु तू कौन है? मैं कौन है जो मुझसे कहता है तू मुझे सताता है? यीशु हूं जिसको तू सताता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप उसके आगे पढ़ेंगे तो पौलुस अंधा हो गया, पौलुस को दिखाई नहीं दिया और वो दमिश्क के अंदर चला गया। दमिश्क के अंदर कुछ दिन तक प्रार्थना करता रहा, उधर ही स्टे करता रहा। तब परमेश्वर का कलाम हनन्या नामक
परमेश्वर के दास के पास में पहुंचा और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब हनन्या के पास में परमेश्वर का कलाम पहुंचा तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, हनन्या से कहा कि जा, शाऊल वहां पर तेरा इंतजार कर रहा है और उसको उसको जाकर परमेश्वर के विषय के अंदर बता, यीशु मसीह के विषय के अंदर बता। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हनन्या उसके पास में गया, पहले तो वह डर रहा था लेकिन उसके बाद में उसके पास में गया और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हनन्या ने यीशु मसीह के विषय के अंदर उसको बताया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब हनन्या ने उसके लिए सर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना को किया, बाइबल इस प्रकार से कहती है उसकी आंखों पर से जो छिलके जो जो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, जो छिलके उसकी आंखों पर थे, बाइबल कहती है छिलके से उसकी आंखों पर से गिर पड़े। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब आप उसको आगे पढ़ेंगे तो पौलुस उसी समय में उठा और पौलुस को हनन्या ने बपतिस्मा दिया, बैप्टिस्म दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहासकारों की माने तो इतिहासकार इस प्रकार से कहते हैं, जब पौलुस ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद में पौलुस प्रचार करने के लिए नहीं गया। अगर आप प्रेरितों के काम करने से बात को पढ़ते हैं 9 अध्याय के अंदर, तो वहां पर डायरेक्ट ऐसा करके लिखा है कि वो पौलुस दमिश्क के अंदर रहा और दमिश्क के अंदर प्रचार करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस क्या हुआ, जब पौलुस ने बपतिस्मा लिया, ये पौलुस का राज है, जो पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, ये पौलुस का राज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहासकारों का मानना है, जब पौलुस ने बपतिस्मा लिया उसी समय में पौलुस वहां से निकलकर अरब को चला गया, अरब के मरुस्थल में चला गया। लगभग 3 साल तक उसने वहां पर रहकर प्रार्थनाओं को किया और प्रार्थनाओं को करने के बाद में वहां पर यीशु मसीह ने उसे फिर से एक बार दर्शन दिया और तमाम जो योजनाओं के लिए पौलुस बुलाया गया था, और से कहती है परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको 42 दर्शनों को दिया और बहुत अद्भुत बातों को परमेश्वर ने उसको बताया और परमेश्वर के राजों को वो जानने पाया। और उसके बाद में जब वो निकलकर दमिश्क को वापस लौट कर आया और वहां पर सामर्थ्य रीति से प्रचार करने लगा, और बाइबल इस प्रकार से कहती है वहां पर सब सुनने वाले चकित हो गए। अगर आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 21वीं आयत तक अगर आप पढ़ते तो वापस सुनने वाले चकित हो गए और जिन्होंने उसको भेजा था वो भी चकित होकर कहने लगे, ये तो वही पौलुस है जो परमेश्वर के लोगों को, यीशु के लोगों को सताया करता था और आज उसी का प्रचार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस इस प्रकार से भी कहता है, अगर आप पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो वो दर्शनों और प्रकाशनों की बातों को वहां पर करता है, कहता है मेरे पास में दर्शनों और प्रकाशनों की बहुतायत है, कहीं मैं फूल ना जाऊं उसके वजह से, तो परमेश्वर ने मेरे लिए एक दूत छोड़ रखा है और वो हमेशा मुझे घूसे मारता है, एक कांटा मुझ में चुभाए रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस के पास में दर्शनों और आपका प्रकाशनों की बताई थी, यीशु मसीह उसको सारी बातों को पहले ही से बता दिया था। कब बता दिया था? जब वो सारी बातों को छोड़कर पहले सबसे पहले यीशु मसीह के मार्ग पर, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद में आत्मा उसको जंगल में लेकर चला गया, वैसे ही पौलुस ने सेम टू सेम किया। पहले बपतिस्मा लिया, उसके बाद में 3 साल के लिए किसी से मुलाकात नहीं किया, 3 साल के लिए उसने सिर्फ प्रार्थना को किया। और मैं समझता हूं उस जगह पर यीशु मसीह ने उसको उतर कर साक्षात सारी चीजों को यीशु मसीह ने उसको बताया और वो सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद में बाइबल इस प्रकार से कहती है तब वापस लौट कर आया और सामर्थ्य रीति से कार्यों को करने लगा। इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पौलुस बड़े गर्व से, बड़े हियाव से इस बात को कहता है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह का अनुकरण किया और ऐसे यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने के बाद में
आत्मा जंगल में लेकर गया, वैसे ही वो भी चला गया मरुस्थल के अंदर, अरब के मरुस्थलों में जाकर उसे प्रार्थनाओं को किया। अगर आप इतिहासकारों की मानेंगे तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको दर्शनों से बातें किया और वो परमेश्वर के दर्शनों की बताई को प्राप्त कर वापस लौट कर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, तो अपने आप को पहले लोगों से अलग करिए, अपने आप को एक खाली स्थान पर लेकर जाइए, या फिर अपने लिए एक ऐसा वक्त में रहिए, एक समय बनाइए ताकि परमेश्वर से आप बातें कर सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर के प्रकाशन आप पर उतरने पाए, परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरने पाए, परमेश्वर के वरदान आप पर उतरने पाए। इसलिए पौलुस वरदानों के विषय में बात कर सकता है, क्योंकि पौलुस को मालूम है कि कौन कौन से वरदान परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखे गए हैं। हालेलुया, वो नौ के नौ वरदानों के विषय के अंदर बोलता है और बातें करता है। यदि आप वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बीमार चंगे होने पाए, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दुष्टात्माएं निकाली जाएं, आपके द्वारा भविष्यवाणियां की जाएं, आपके द्वारा अद्भुत काम किए जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को अलग करिए प्रार्थनाओं के लिए, अपने आप को अलग करिए उपवासों के लिए, अपने आप को अलग करिए अपने अपने वो परमेश्वर की संगति के लिए। हालेलुया, अपने आप को उन सारी बातों से अलग करिए जो आज आपको अभिषेक में भरने से रोकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी दर्शनों को प्राप्त करेंगे, आप भी अभिषेक से भर जाएंगे, आप भी चिन्ह चमत्कारों को करेंगे, आप भी बीमारों को चंगा करेंगे, और यीशु मसीह जिस प्रकार से पौलुस के साथ में था, आपके साथ में भी काम करेगा। यदि ये वचन आपको समझ में आया है कि पौलुस ने कैसे अभिषेक को प्राप्त किया, कैसे पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी इसी प्रकार का अनुकरण लें। इसलिए पौलुस बहुत हयात के साथ में बोलता है कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। प्रिय लोगों, आज हम में ऐसी सामर्थ नहीं है, ऐसी कुवत नहीं है कि हम पौलुस के मानन कहने पाए कि मेरी सी चाल चलो, लेकिन जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे, यीशु मसीह जैसे चलेंगे, तो हम भी कह सकते हैं आप मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं भी मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे इस वचन के माध्यम से, बरकत दे, और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, अपने आप को अलग करिए उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, आप भी अभिषेक हो जाएंगे। हालेलुया, यदि ये वचन आपको समझ में आया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग आशीषित होने पाए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों से को बताएं कि इस चैनल पर, इस जगह पर आपको परमेश्वर की महिमा प्राप्त होगी। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, हमारे सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ में बने रहें। परमेश्वर आपके साथ हो, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।